नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। वंदे मातरम मिशन के तहत एयर इंडिया फ्लाइट में दुबई और अबुधाबी से पहुंचाई यात्रियों को। कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच वंदे मातरम मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत दूसरे देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने की मुहिम को तेज किया गया है। जिसके तहत एयर इंडिया फ्लाइट ने दुबई से 177 भारतीयों को भारत पहुंचाने का काम किया है। एयर इंडिया की फ्लाइट में कोविड-19 और बंद के कारण फंसे भारतीयों को निकालने के लिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इससे पहले अबुधाबी से 181 यात्रियों के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली उड़ान कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी थी, जिसके बाद भारत में बड़े पैमाने पर प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते दिन तक वापस लाए भारतीयों में से कोई भी कोविड-19 का संदिग्ध नहीं पाया गया, जिससे स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहत की सांस ली है। वहीं आपको बता दें, एयर इंडिया 13 मई तक 64 उड़ानों का संचालन करेगी, जिसके तहत बंद के बीच विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाने का काम किया जाएगा। रतन टाटा ने 18 साल के एक लड़के की कंपनी में खरीदे 50% हिस्सा। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने बीते दिन मुंबई के जेनेरिक आधार की 50% हिस्सेदारी खरीद ली है, जो कि 18 साल के युवक के द्वारा संचालित की जाती है। यह कंपनी औषधियों की बिक्री का काम करती है। खबरों की माने तो जेनेरिक आधार खुदरा दुकानदारों की तुलना में कम कीमत पर औषधियां बेचती है। वहीं 18 साल के देशपांडे ने बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने स्टार्टअप को 16 साल की उम्र में शुरू किया था। रतन टाटा ने स्टार्टअप में 50% हिस्सेदारी खरीद ली है। हालांकि देशपांडे ने 50% हिस्सेदारी की खरीद के लिए कितनी पूंजी मिलेगी इसको लेकर कोई बात नहीं कही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रतन टाटा करीब 3-4 महीने से देशपांडे के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने आखिरकार शेयर्स को खरीदने का फैसला लिया है। बीते दिन तक 40 श्रमिक ट्रेन में से अब तक लाखों मुसाफिर कर चुके हैं सफर। केंद्र सरकार के आदेशानुसार विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासियों को उनके गृह जिले पहुंचाने की जिम्मेदारी सभी राज्यों के जिम्मे सौंपी गई थी, जिसके बाद बीते दिन गुरुवार तक 40 श्रमिक ट्रेनों के परिचालन होने की खबर सामने आई है, जिसमें 189 गाड़ियों की मदद से लाखों मुसाफिरों को उनके गृह राज्य में पहुंचा दिया गया है। ताजा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते दिन 40 ट्रेन चलाई गई है, जिसमें दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक चलने वाली ट्रेन भी शामिल है। उनके मुताबिक प्रत्येक ट्रेन में 24 बोगियां हैं और इस प्रत्येक डिब्बे में 72 सीटें हैं, जहां पर बोगियों में केवल 1400 यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी गई है। साथ ही सभी बोगियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया गया है। 12वीं और 10वीं की बोर्ड एग्जाम की तारीखों का ऐलान जल्द होने की जताई गई उम्मीद। CBSE बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत बंद के कारण रोक दिया गया था। वहीं परीक्षाओं के लिए आने वाले दिनों में जल्द ही घोषणा की जा सकती है। वहीं दिल्ली में कक्षा 12वीं और 10वीं की विशेष परीक्षाओं के लिए डेटशीट 2020 के लिए अपडेट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में 5 मई को फेसबुक और ट्विटर पर लाइव सेशन में छात्रों से लाइव वेब इंटरैक्शन के दौरान कई छात्र द्वारा CBSE की बची परीक्षाओं की तारीख के बारे में पूछे जा रहे सवालों के जवाब में कहा था कि CBSE बोर्ड की बची हुई परीक्षा की घोषणा 2-3 दिनों में होने की संभावना जताई जा सकती है। लॉकडाउन में बैंकों ने 5.66 लाख रुपए कर देने का जारी किया आदेश। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण पूरे देश में वर्तमान समय में लॉकडाउन का माहौल है। वहीं सभी तरह के व्यवसाय पर ताले लटके हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पटरी से नीचे उतरी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके कहा है कि मार्च से अप्रैल 2020 के बीच बंद के दौरान सरकारी बैंकों ने 41.8 लाख लोन के खाते में 5.66 लाख लोन रुपए के कर्ज देने की मंजूरी दी है, जिसके तहत बैंकों ने MSME सेक्टर रिटेल लोन, जिसमें होम लोन और पर्सनल लोन शामिल है, कृषि लोन और कॉरपोरेट लोन लेने की मंजूरी दी है। बैंकों ने MSME सेक्टर रिटेल लोन, जिसमें होम लोन और पर्सनल लोन शामिल है, कृषि लोन और कॉरपोरेट लोन देने की मंजूरी दी है। इसकी जानकारी निर्मला सीतारमण ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी की है। चीन से बाहर निकल रही विदेशी कंपनियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है नजर। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण सभी विदेशी कंपनियों ने चीन से अपने कारोबार को पूरी तरीके से उठाने का ऐलान जारी किया है, जिसके बाद विदेशी कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित करने की योजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। कोविड-19 के इस माहौल में चीन से बड़ी कंपनियों के निकलने के मौके को देखते हुए मोदी सरकार इस अवसर को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती है, और यही कारण है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब की राह में रोड़े को हटाने की कोशिश की जा रही है। मोदी की कोशिश है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और यूरोप की कंपनियां बिना वक्त गवाए भारत आकर उत्पादन यूनिट स्थापित करें, ताकि भारत में अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत किया जा सके। खबरों की माने तो मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों से कहा है कि उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त जमीन की जानकारी दी जाए। साथ ही भाजपा शासित राज्यों को श्रम नीति में संशोधन के निर्देश भी दे दिए गए हैं। फल सब्जी खरीदते वक्त रखें खास बातों का ध्यान। कोविड-19 के इस माहौल में सभी लोग अपने घर पर रहने पर मजबूर है, लेकिन खाने पीने के सामान के लिए मजबूरन लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, जिसमें सब्जी फल की खरीदारी अहम है। हालांकि कई लोगों ने सब्जी फल खरीदने के दौरान भी कोविड-19 के होने की आशंका जताई है। वहीं सब्जी विक्रेताओं से भी कई लोगों के संक्रमित होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद सब्जी खरीदते समय सभी लोगों से शारीरिक दूरी के साथ ही मास्क लगाने की भी अपील की गई है। सिर्फ ग्राहकों से ही नहीं बल्कि सब्जी विक्रेताओं से भी यही अपील की गई है, ताकि सब्जी और फल खरीदने के समय पूरी
सावधानी बरती जा सके और लोग इससे प्रभावित ना हो। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना कोविड-19 का टेस्ट करवाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हर दिन अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाने का ऐलान जारी किया है। खबरों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप के मिलिट्री सहायक कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप में भी कोविड-19 के होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि व्हाइट हाउस में सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रंप का टेस्ट फिलहाल आ गया है जिसमें कोविड-19 से प्रभावित नहीं पाए गए हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से बयान जारी करते हुए यह कहा है कि अब हर दिन कोविड-19 का टेस्ट करवाएंगे ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि कोविड-19 का संक्रमण उन तक नहीं पहुंचा है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में अपने परिवार में भी सभी के कोविड-19 जांच करवाने का आदेश जारी किया है, क्योंकि पाया गया संक्रमित सेवक मिलिट्री की ही एक एलीट यूनिट का हिस्सा है जिसका काम है राष्ट्रपति के परिवार की देखरेख करना। ऐसे में राष्ट्रपति और उनके परिवार से बेहद करीब रहता था और यही कारण है कि पूरे परिवार में कोविड-19 के संक्रमण की संभावना बढ़ गई है। 17 मई के बाद से कई और क्षेत्रों में दी जाएगी ढील। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने समीक्षा बैठक के दौरान इस बात की जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सरकार पूरी सतर्कता के साथ 17 मई के बाद कई जगहों पर ढील देगी ताकि कोविड-19 के इस माहौल में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि 17 के बाद भी हालात के मुताबिक फैसला लिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में बगैर लक्षण के भी कोविड-19 की मौजूदगी मिलने से सामाजिक दूरी ही बचाव का एकमात्र उपाय है, मगर ऐसा काफी दिन तक नहीं चल सकता है। काफी दिन तक लोग घरों में बैठे नहीं रह सकते, काफी दिन तक काम ठप नहीं रह सकता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही कोविड-19 के बढ़ते असर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने माहौल के अनुरूप ढील देने का फैसला लिया है। कोविड-19 के माहौल में 5 राज्यों में हालात अस्थिर। भारत में लगातार कोविड-19 प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं इसी बीच 5 राज्य पूरी तरह से इसकी चपेट में आ चुके हैं। खबरों की माने तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु के आंकड़े सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। इन राज्यों या शहरों में कोविड-19 में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, साथ ही जान गंवाने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि इन राज्यों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेस्टिंग के लिए कोई खास रणनीति नहीं बनाई गई है और यही कारण है कि इन राज्यों में लगातार मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जताई है, जिसके तहत उन्होंने सभी राज्यों की सरकार से आग्रह करते हुए कोविड-19 के रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की अपील की है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन करवाने पर भी जोर दिया है। CSK ने महेंद्र सिंह धोनी के लंबे बालों वाली फोटो को किया शेयर। चेन्नई सुपर किंग्स ने बीते दिन महेंद्र सिंह धोनी की पुरानी तस्वीर को शेयर किया है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक समय था जब महेंद्र सिंह धोनी अपने लंबे लंबे बालों के लिए ही जाने जाते थे। महेंद्र सिंह धोनी की पहली झलक दर्शकों को तब देखी मिली जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच की जब 123 गेंदों में 148 रन की पारी महेंद्र सिंह धोनी ने खेली थी और उसके बाद उन्होंने अपना पहला शतक पूरा करने के बाद उन्होंने दर्शकों का अभिवादन करने के लिए अपना हेलमेट निकाला था, उनके लंबे बाल की चर्चा वहीं से शुरू हुई थी। वहीं CSK द्वारा जारी की गई तस्वीर में CSK ने कैप्शन में लिखा है कि टीम इंडिया IPL शुरू होने से पहले गृह के विभिन्न रंगों में है और यह सोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते CSK द्वारा जारी की गई तस्वीर में हरभजन सिंह, सुरेश रैना, लक्ष्मीपति बालाजी और वेणुगोपाल राय भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 से बचाव के लिए साथ ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।